प्रदेश के फैजाबाद गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह गुरुवार को एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। लखनऊ से गोरखपुर जाने के दौरान देवेंद्र सिंह फैजाबाद के पास एक चाय की दुकान पर रुके थे। इसी दौरान सड़क पार करते वक्त उन्हें एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। इस घटना में एमएलसी देवेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि देवेंद्र सिंह लखनऊ से गोरखपुर जाने के लिए रवाना हुए थे। इसी बीच वह चाय पीने के लिए साथियों के साथ रुदौली में रुके। यहां वह सड़क पर खड़े अपने वाहन तक जाने के लिए रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उनको टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर के बाद एमएलसी मौके पर ही बेहोश हो गए। हादसे के तुरंत बाद एमएलसी के साथ मौजूद लोगों ने उन्हें यहाँ के एक प्राइवेट अस्पताल लेकर गए। इस अस्पताल में एमएलसी का प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें लखनऊ के केजीएमयू में रेफर कर दिया गया। चिकित्सकीय सहायता के साथ एमएलसी के परिजन उन्हें लेकर लखनऊ रवाना हुए। इस घटना के बाद पुलिस और स्थानीय लोग अब उस वाहन की तलाश कर रहे हैं जिसने एमएलसी को टक्कर मारी थी। इस संबंध में डीआईजी अयोध्या दीपक कुमार ने बताया। आज अपराह्न 3:15 बजे श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो माननीय एमएलसी फैजाबाद गोरखपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हैं, लखनऊ से गोरखपुर के तरफ जा रहे थे। ग्राम भेलसंडा थाना रुदौली में रुककर चाय पीने के लिए वो रुके और पैदल सड़क को पार कर रहे थे। उसी दरमियान पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति, जो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसका नाम मणिराम था और थाना रौनाही का रहने वाला था, ने टक्कर मार दी, जिससे कि उनको चोट लग गई। पुलिस के द्वारा राज हॉस्पिटल भेलसर में प्राथमिक उपचार के बाद सरकारी एम्बुलेंस से उनको लखनऊ के लिए रेफर करा दिया गया। लखनऊ में मेरे द्वारा लखनऊ पुलिस कमिश्नर और ट्रॉमा सेंटर के जो वहाँ डिप्टी SP हैं उस इलाके के, उनसे बातचीत हो गई है और उनको यथाशीघ्र लखनऊ के लिए रवाना कर दिया।